देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। खबर नवादा से है। नवादा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक हिंदू के लिए एक विशेष दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन कृष्ण भगवान को भक्ति भाव से प्रसन्न करने पर संतान समृद्धि एवं अधिक उम्र की प्राप्ति होती है। सभी हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के पावन पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में शहर के मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया और पूजा अर्चना की गई। इधर गोवर्धन मंदिर में भी कृष्ण और राधा जी का पूजा अर्चना किया गया। बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा रासलीला भी की गई। बता दें कि जन्माष्टमी के इस पर्व पर सभी हिंदुओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है। मंदिरों में सजावट की जाती है एवं कई स्थानों पर श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण है और कृष्ण जी के जन्मदिन के इस अवसर पर इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में मथुरा नगरी में श्री कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर अपना अवतार लिया। उस समय मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के प्रहार से प्रजा दुखी थी, इसलिए दीन दुखियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। नवादा जिला से सुजीत कुमार संघ, अनिल शर्मा की रिपोर्ट। कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या कैसे? आज जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम से गोवर्धन धाम मंदिर में मनाया जाएगा। संध्या 7 बजे से जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म होगा और उसके साथ साथ अयोध्या से आए विद्वान कलाकारों के द्वारा भजन कीर्तन का भी आयोजन है। हजारों हजार की संख्या में भाग लेंगे और भक्तिमय होकर के भगवान का दर्शन का आनंद लेंगे, भजन का आनंद लेंगे। क्या नाम है आपका? विजय पांडे।